टोक्यो ओलंपिक्स के शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच खेल गांव में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। टोक्यो ओलंपिक्स आयोजित कर्मियों ने पुष्टि की है कि खेल गांव परिसर में कोरोना संक्रमित का एक मामला सामने आया है। टोक्यो ओलंपिक्स के आयोजकों ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। बता दें, टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत 23 जुलाई से होने वाली है। ओलंपिक खेल गांव में ये कोरोना का मामला ऐसे समय पर आया है जब खेल की शुरुआत होने में कुछ ही दिन बचे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में कोरोना का संक्रमण ज्यादा ना हो, उसके लिए सभी जरूरती कदम उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बताया कि खेल गांव में आने वाले लगभग 80% से अधिक लोगों को टीके के दोनों डोज लग चुके हैं। यहाँ पर हर दिन खिलाड़ी में कोरोना की जांच होती है। ओलंपिक में इस बार खिलाड़ियों के गले में मेडल डालकर नहीं दिए जाएंगे, बल्कि मेडल को ट्रे में पेश किया जाएगा और फिर खिलाड़ी मेडल लेकर खुद ही अपने गले में डालेंगे। ईआन न्यूज नेटवर्क के लिए भूमिका राठौर की रिपोर्ट। धन्यवाद।